हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अनस्किल्ड, स्किल्ड, हाई स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और कंपनी में काम करने वाले कुछ स्किल के कैटेगरी के बारे में, जिनका वीडियो में कुछ दिन पहले डाला हुआ था। आज इन्हीं दो वीडियो के कुछ कमेंट सेक्शन में कुछ भाई ने, कुछ सर ने कमेंट किए थे। आज इन्हीं के कमेंट का मैं रिप्लाई देना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। भाई थे अजय अजय, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि 12वीं क्लास में कौन से स्किल में आता है, जिसमें 12वीं क्लास में जो पढ़ाई होता है वो कौन से स्किल में आता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 12th की जो पढ़ाई होती है वो किसी स्किल में नहीं आते हैं, बल्कि वो एकेडमिक सेशन में आते हैं। स्किल हम उसको बोलते हैं जब किसी काम को हम करते हैं, उस काम को कितनी जल्दी से हम करते हैं और कितनी ढंग से हम करते हैं, इसको हम स्किल बोला जाता है। तो इसकी हिसाब से आपको कंपनी में आपको रेट दिया जाती है। तो अजय अजय भाई ने आप समझ गया होंगे कि जो 12th की पढ़ाई होती है वो कोई स्किल नहीं होती है, बल्कि वो एक एकेडमिक सेशन है। अगला जो कमेंट किए थे वो है आपका शंकर सुमंतकार, इन्होंने पूछा था कि ड्राइवर कौन से स्किल में आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ड्राइवर की जो लाइफ होती है, ड्राइवर के जो काम होते हैं वो 100% स्किल्ड के बेस में आते हैं। ड्राइवर हमेशा स्किल्ड ही होता है, या फिर उसको स्किल्ड होना भी चाहिए, तभी उसको गाड़ी ड्राइव करनी चाहिए, क्योंकि उसमें रोड में चलते हुए अपने जान के लिए भी खतरा है, अपने परिवार वालों के लिए भी खतरा है, और अपने जो जिसके लिए वो सामान ढो रहे हैं या फिर जो सवारी ढो रहे हैं उसके लिए भी खतरा है। तो कंपनी में काम करने वाले जितने भी माने जो ड्राइवर हैं उनको स्किल कैटेगरी में माने रखे जाते हैं, और समय के साथ उन्हें हाई स्किल वेस्ट भी उसके किया जाता है और उसे हाई स्किल पे भी उसको पेमेंट किया जाता है। अगला कमेंट से विकास ब्लॉग का, इन्होंने पूछा है कि सर कोई है लड़का जो अनस्किल में काम कर रहा है और काम करते करते क्या वो सेमी स्किल, स्किल या फिर हाई स्किल कर पाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यस, वो कर पाएगा। और यदि कोई व्यक्ति आज किसी कंपनी में काम कर रहा है वो अनस्किल में है, तो उनका जो सुपरवाइजर हो, उनका जो मैनेजर हो, उनका जो HOD है, उस व्यक्ति के काम को देखकर उन्हें अगर वो अनस्किल में है तो अनस्किल से उन्हें सेमी स्किल, स्किल या फिर उसको हाई स्किल कर सकते हैं, उससे भी उसको बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आप किसी भी काम को कितने ढंग से आप कर रहे हैं। अगला जो कमेंट्स आया है वो है आपका मुहेवन अली, मोहम्मद अली। तो मैं आपको मोहम्मद अली का क्वेश्चन है, मोहम्मद अली का क्वेश्चन है कि हाई स्किल ग्रेजुएट की क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो अली को मैं बताना चाहता हूँ कि जो जो स्किल होते हैं वो स्किल बनने के लिए किसी की क्वालिफ मैंने किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है, बल्कि उन्हें होने की जरूरत होती है। अब किसी में आपको पहला ही क्वेश्चन में अजय से बोल चुका हूँ कि जो हम जब किसी कोई काम करते हैं उस काम को हम कितनी जल्दी करते हैं और कितनी ढंग से हम करते हैं, ये नापा जाता है हमारे स्किल के अनुसार में। तो आप समझ गए हो कि आपकी जो स्किल है वो कभी भी आपके क्वालिफिकेशन से नहीं नापी जा सकती है। और आज जितने भी जो रोजगार हैं और जिनके भी आज जिनकी सैलरी कम है, मैंने क्वालिफिकेशन लेके, इसका भी एक मुख्य रीजन यही है कि उसके पास तो एकेडमिक्स का मैंने सेशन है, उसका एकेडमिक का डिग्री है, सर्टिफिकेट है, परंतु उनके पास कोई स्किल नहीं है, जिसके कारण से वे उस बेरोजगार हैं या फिर बोल सकते हैं वे कम पे में आज काम कर रहे हैं। आपका अगला जो कमेंट है वो है हेमाराम चौहान का, इन्होंने पूछा है कि सर अनस्किल में कितने ईयर काम करने के बाद सेमी स्किल की सैलरी मिलेगी। देखिए आप हेमाराम जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी उस काम को सीखते हैं और कितनी बेखूबी से उस काम को आप निभाते हैं। मान लीजिए आप कोई कंपनी में आने वाले प्रॉब्लम को आप जितनी जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं, जितनी जल्दी आप सॉल्व करते हैं, तभी आप उसी के अनुसार ही आपको स्किल बेस माना जाएगा। इसके लिए कोई कोई इसमें आपको 1 महीना, किसी व्यक्ति के लिए 2 महीना, या फिर किसी व्यक्ति के लिए 3 महीना भी हो सकता है और किसी के लिए 3 साल भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप जिस मैंने ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आप कितनी बेखूबी से, कितनी मैंने ईमानदारी से आप उस जगह को काम कर रहे हैं, और जितनी जल्दी आप उस काम को सीखेगा, जितनी जल्दी आपके ऊपर वालों को लगेगा कि ये लड़का सही ढंग से काम कर रहा है, बेखूबी से काम कर रहा है, तो आप उतनी जल्दी आप स्किल बेस्ट या फिर आप हाई स्किल पर्सन आप बन सकते हैं। शिवनी ब्लॉग का, इन्होंने लिखा है कि सर स्किल के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सेम क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है कि इस मैंने जो है स्किल के लिए किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। स्किल के लिए हमें किसी भी काम को करने के लिए, हमें किसी काम को हम कितनी जल्दी से करते हैं और कितनी मैंने बेखूबी से ढंग से करते हैं, कितनी मैंने उसको हम सही ढंग से करते हैं, ये डिपेंड करता है। ये आपके ऊपर मैंने डिपेंड है, इसमें किसी क्वालिफिकेशन की मैंने जरूरत नहीं होती है।
रंजू कंजू ने लिखा है सुपर वीडियो, थैंक यू भाई। सुमित कुमार ने लिखा है सर दिल्ली गोप्ट में कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए क्या सैलरी होगी, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए मिनिमम वेज ऑर्डर कॉपी के लिए नीचे स्टाफ सैलरी होती है उनके बारे में क्या मतलब है बताइए, प्लीज़ रिप्लाई सर। थैंक यू सर आपकी मेरे को इस लाइक समझे कि आप अपना पोस्ट शेयर किए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं इनकी जो सैलरी जो होती है इनको चारों कैटेगरी में बांटा गया है, क्योंकि प्राय से देखा गया है कि जो जो थोड़ी इसकी जो सिर्फ मैंने आपका ऑफिसियल वर्क करते हैं जैसे आपका MS मैंने ऑफिस हो या फिर एक्सेल वगैरह काम करते हैं, तो इन्हें हम मैंने सेमी स्किल वगैरह में रख सकते हैं। जो थोड़ा मैंने पेपर वर्क के साथ साथ अगर कंप्यूटर ऑपरेटिंग करते हैं तो आप उसको स्किल वेस्ट में रख सकते हैं। या फिर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पूरा मैंने जो मैंने ईमेल वगैरह जवाब देना, ईमेल भेजना या फिर ईमेल का रिप्लाई देना के साथ अपने फाइलिंग का भी काम कर लेते हैं और स्केल या फिर एम एस वर्ड मैंने टोटल यदि आप ऑफिशियल काम कर लेते हैं तो आप उसको हाई स्किल में उसको रख सकते हैं। और यदि आप कंप्यूटर ऑपरेटर में हैं, यदि आप किसी भी कंडीशन में हैं और जिनको मैं बोला हूँ आपको हाई स्किल पे मिलनी चाहिए। अगला कमेंट है वो है कौशिक प्रमाणिक का, इन्होंने लिखा है स्किल लेवर इज द मोस्ट फनी पार्ट्स, थैंक यू भाई। मैं भी एक कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ और मैंने भी एक चीज़ फील किया कि एक्चुअली स्किल इज द बेस्ट पार्ट, क्योंकि एक स्किल पर्सन होना बहुत जरूरी होता है। और जो भी लड़की आज सेमी स्किल में है या फिर स्किल्ड में है आज जो वीडियो देख रहे हैं या फिर जो वीडियो देखेंगे, मैं उसे बताना चाहता हूँ कि आप जितना जल्दी स्किल्ड में होंगे उतनी मैंने जल्दी आप मैंने किसी कंपनी वाले पर आप मैंने भरोसेमंद हो जाते हैं, क्योंकि स्किल होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उन्हें हर चीज़ को मालूम होता है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्यों होता है, ये चीज़ की उनकी जानकारी होती है। तापस पॉल ने लिखा है कि कंस्ट्रक्शन फील्ड में हाई स्किल नहीं रहता, क्यों ओनली स्किल सेमी स्किल और अनस्किल रहता है। थैंक यू योर इन्फॉर्मेशन, आपको भी धन्यवाद तापस पॉल जी अपने कमेंट सेक्शन के लिए। देखिए एक तो कंस्ट्रक्शन साइड में हमें चार ही वर्ग में अपना पे आउट देते हैं जो भी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, चाहे वो किसी कंपनी में हो या फिर किसी कंस्ट्रक्शन साइड में। यदि कोई कंस्ट्रक्शन या फिर कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्टर यदि आज उन्हें सेमी मैंने जो हाई स्किल को यदि उन्हें हाई स्किल सैलरी अगर नहीं दी जाती है, क्योंकि यदि कोई लड़का स्किल में है और वो लड़का यदि 3 साल अपना कंप्लीट कर दिया है तो उन्हें हाई स्किल बेस में माना जाना चाहिए, यानी उसे हाई स्किल पेमेंट देना चाहिए, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी उसी काम के लिए उसने 3 साल का अनुभवी है। अगला कमेंट है तनुजा पंत की, इन्होंने पूछा है ग्राइंडर किस स्किल में आते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो ग्राइंडर है वो आपका स्किल्ड कैटेगरी में आते हैं और उसकी भी उसे स्किल की सैलरी उसे मिलनी चाहिए। अगला है गोविंद रकवार का, इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि स्टेनोग्राफर किस कैटेगरी में आएगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो स्टेनोग्राफर है ये स्किल्ड और यदि उसके पास अनुभव है तो उन्हें हाई स्किल के उस कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि वो एक स्किल्ड बेस्ट काम करते हैं। यदि उनके पास कोई गलती होती है तो सारा डॉक्यूमेंट्स उनके ख़राब हो जाने के चांस होती है, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो स्टेनोग्राफर का है जो काम है वो पूरा फुल 100% स्किल्ड बेस्ट पर्सन का है, उन्हें स्किल्ड बेस्ट पर्सन मैंने सैलरी देना चाहिए। यदि उसके पास अनुभवी है 2 साल या फिर 2 साल से अधिक तो उन्हें हाई स्किल पेमेंट करनी चाहिए। आज के सेशन में यही समाप्त करता हूँ और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।